would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like the Bravo company's success signal, OAIA, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, the my company's success signal was, Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। ये दिल मांगे मोर, आप में से लगभग हर किसी ने इस लाइन को जरूर सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया भर में प्रसिद्ध पेप्सी नाम की कोल्ड ड्रिंक का एक एडवर्टाइजिंग स्लोगन है। लेकिन अगर किसी ने सही मायनों में इस लाइन को पहचान दी है तो वो है कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुड़ा दिए थे। और कैप्टन विक्रम बत्रा के दुश्मनों में इनका इतना खौफ था कि इनके दुश्मन इनको शेरशाह के नाम से बुलाते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्यता की कहानी लगभग हर देशवासी को पता होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले इस जाबाज सिपाही का बचपन कैसे बीता और आखिर क्यों इन्होंने एक लग्जरियस लाइफ वाली नौकरी को छोड़कर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला किया। तो आज के एपिसोड में हम आपको इस वीर बहादुर सिपाही के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैप्टन विक्रम बत्रा एक परम वीर कैसे बने। और हमें उम्मीद है कि ये जानने के बाद आपका कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के एक घुग्गर नाम के छोटे से टाउन में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और इनकी माता का नाम कमल कांता बत्रा है। कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे और इनके माता पिता ने इनका नाम लव और कुश रखा था। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल, और लव यानी कि विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और उसके बाद पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से प्राप्त की, और आर्मी कैंटोनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम बत्रा में स्कूल के समय ही देश प्रेम जाग उठा। कैप्टन बत्रा शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वे हर चीज में आगे रहें, फिर चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर स्पोर्ट्स की, और इसी वजह से वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। क्योंकि उनका स्कूल एक आर्मी कैंटोनमेंट में था तो इस कारण से वे स्कूल आते जाते समय वहां चलने वाली आर्मी की गतिविधियों को देखते रहते थे, और सेना की कदम ताल और ड्रम बीट की आवाज को सुनकर वे अक्सर रुक जाते थे और सुना करते थे। और इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, और इस दौरान वे एनसीसी के सबसे बेहतरीन कैडेट भी चुने गए और उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा भी बनाया गया। विक्रम बत्रा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इसी दौरान उनके द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए दी गई परीक्षा का परिणाम आया और उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी, और कुछ ही दिनों में उनका नियुक्ति पत्र भी आने वाला था और वे पोलैंड जाने के लिए भी सारी तैयारियां कर चुके थे। लेकिन फिर अचानक ना जाने उन्हें क्या हुआ, वे अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोले कि माँ, मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उनका यह फैसला वाकई में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने कई लाख रुपए की मर्चेंट नेवी जैसी नौकरी को ठुकरा कर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला लिया था, और वे अब पूरी तरीके से मन बना चुके थे कि वे इंडियन आर्मी के लिए खुद को पूरी तरीके से झोंक देंगे। और इस फैसले के साथ ही उन्होंने पूरे जोर शोर से सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। और इसी बीच 1995 के आसपास जब विक्रम बत्रा उच्च शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो उनकी मुलाकात वहां डिंपल से हुई, जो उनकी अंग्रेजी की सहपाठी थी, और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन फिर इसके बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में दोनों ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि असल में अपने रिश्ते के एक साल बाद ही यानी 1996 में विक्रम बत्रा को आर्मी में सिलेक्शन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए बुलाया गया, और उसके बाद वे ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी चले गए। और फिर 6 दिसंबर 1997 को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर आर्मी की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया।
तो चलिए बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के शानदार मिलिट्री करियर के बारे में। तो जब 1997 में कैप्टन विक्रम बत्रा को 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया, तो तभी से इस वीर बहादुर योद्धा की वीरता और निर्भीकता के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन बत्रा को महज 18 महीने की नौकरी के बाद ही 1999 में कारगिल युद्ध में जाना पड़ा था, और इस दौरान वे बहुत ही बहादुरी से लड़े, और सबसे पहले उन्होंने हम फॉर राखी नाव पर भारत का झंडा फहराया था, और एक के बाद एक मिली सफलताओं के बाद ही उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर 0.5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि ये चैलेंज आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कैप्टन बत्रा उन इंसानों में से थे जो कठिन से भी कठिन चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते थे, और इसी हिम्मत के कारण कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ इस चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। और जब 0.5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन बत्रा से उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोर। और बस यहीं से इन लाइनों को एक अलग पहचान मिल गई। In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. और ये दिल मांगे मोर का नारा देखते ही देखते पूरे कारगिल में दुश्मनों के लिए आफत बन गया, और हर तरफ बस यही नारा सुनाई देता था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और जब ये युद्ध चल रहा था, तब कैप्टन बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे, और ऐसे में पाकिस्तान की ओर से उन्हें एक कोड नेम दिया गया था, और ये कोड नेम कुछ और नहीं बल्कि उनका निक नेम शेर शाह था। They were on the same frequency which were we on our radio sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? और फिर 20 जून 1999 को महत्वपूर्ण 0.5140 पर जीत हासिल करने के बाद 0.4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया गया, और इसकी बागडोर भी कैप्टन विक्रम बत्रा को ही सौंपी गई, और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और अपने अन्य साथियों के साथ इस अभियान को भी पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकार की। और इस अभियान पर जाने से पहले कैप्टन बत्रा ने 16 जून को अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिय कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वे 7 जुलाई 1999 को 0.4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, और जब वे 7 जुलाई को 0.4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, तब अचानक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जब कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं, तो वे तेजी से पाकिस्तानी सैनिकों की ओर शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इस दौरान कैप्टन बत्रा ने कई सारे दुश्मनों को मार गिराया। ये मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन इसी बीच कैप्टन बत्रा की नज़र अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो कि एक विस्फोट में बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और इसी बीच विक्रम बत्रा जब अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती में आ लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बचे पाकिस्तानियों पर टूट पड़े, और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वे तिरंगा लहरा चुके थे। और शहीद होने से पहले कैप्टन बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। जब 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच टकराव बढ़ रहा था, तब उस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टियों में अपने घर पालमपुर आए थे, और वे न्यूगल नदी के किनारे अपने एक फेवरेट कैफे में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि विक्रम, अब कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है और तुम अपना ख्याल रखना। तब विक्रम बत्रा ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि डोंट वरी, या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा। और 0.4875 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने इन्हीं दोनों वादों को पूरा किया। उन्होंने तिरंगा लहराया भी और तिरंगे में लिपट कर भी आए। और एक बार युद्ध के दौरान उन्हें धमकी भी दी गई थी
कि शेरशाह तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तब उन्होंने अपने दुश्मन को जवाब दिया था कि तुम हमारी परवाह ना करो बल्कि अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए दुआ मांगो। और कारगिल युद्ध के बाद अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत के सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और कैप्टन बत्रा ने शहीद होने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया था और उनके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर वे जिंदा वापस आते तो वे इंडियन आर्मी के हेड बन गए होते। और 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म LOC कारगिल में अभिषेक बच्चन कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल भी अदा कर चुके हैं। किसी भी सैनिक का बलिदान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे बहादुर और निर्भीक सैनिक एक ऐसा उदाहरण स्थापित कर जाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं वीर बहादुर सैनिकों में से एक है। और ऐसे ही वीर सिपाहियों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। विक्रम जी को मैं ये क्या मैसेज देना चाहूँगा, वो जहाँ कहीं भी है, मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं जो घबराहट मुझे है वो मुझे कई जन्मों में शायद पता नहीं मिलेगा। और जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया है, देश पर जो कर्ज उनका है और हमारी परिवार पर जो उनका कर्ज है वो हम कभी उतार नहीं पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो हमेशा हमारे परिवार से जुड़े रहें। और अंत में हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि आज 7 जुलाई है, यानी कि आज ही के दिन इस वीर महान योद्धा ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बायोग्राफी को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक देशवासी को इस वीर महान योद्धा के सर्वोच्च बलिदान के बारे में पता लग सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।